हम बात कर रहे हैं आईपीएल के मैच नंबर 41 की, चेन्नई बनाम हैदराबाद मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई में। और इससे पहले चेन्नई स्थिति में नहीं रहा है इस आईपीएल में, जब उन्होंने लगातार दो मुकाबले हारे हों, पर ऐसी स्थिति से क्या एमएस धोनी की टीम उबर पाएगी, खासतौर पर जिस तरह से पिछले मैच में हारे, बहुत ही करीबी मुकाबला था, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अजीत अगरकर। अजीत, इससे पहले हम मैच के बारे में चर्चा करें, आपके साथ एक छोटा सा मैच खेलते हैं हम, जो क्विज होती है, जिसमें आप काफ़ी माहिर हैं, काफ़ी अवार्ड जीतते हैं। बाकी 5 सवाल है आपके इन्हीं दोनों टीमों से जुड़े हुए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर अब आएगा, वो ये कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में हैदराबाद और चेन्नई में से किसी एक टीम के लिए ही खेला है, इसका मतलब बाकी तीन दोनों टीम के लिए खेले, आशीष नेहरा, पार्थिव पटेल, विजय शंकर या इमरान ताहिर। शायद इमरान ताहिर। सही जवाब। याद नहीं मुझे हैदराबाद के लिए खेले हुए कभी। चेन्नई से खेले हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरुआत आपकी, 1 out of 1। ठीक है, दूसरे हम सवाल पे अब नज़र डाल लेते हैं, वो ये कि हाल ही में किस गेंदबाज ने एक मैच में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेंकने का रेकॉर्ड बनाया है। हमने आपको बता भी दिया, 20 डॉट बॉल उन्होंने फेंकी थी। दीपक चहर, राशिद खान, मोहम्मद नबी या रविंद्र जडेजा। आई थिंक दीपक चहर। सही जवाब। कैसे आप इस नतीजे पे? ये बहुत मुश्किल था। नहीं, हाल ही में कहीं पढ़ा था कि आई थिंक आशीष नेहरा का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, 19 गेंदे आशीष नेहरा ने डॉट बॉल की थी, तो थोड़ा सा एडवांटेज था मुझे। हो सकता है ये आपने पिछली क्विज में इसका जवाब दिया हो, इसलिए आपको याद हो, क्योंकि अक्सर लोगों से पूछा जाता है शायद कोई राशिद खान के लिए चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल फेंकते हैं। चलिए, बहुत ही सही जवाब आपने दिया, 2 out of 2। तीसरे सवाल पे अब हम नज़र डाल लेते हैं, वो ये कि आईपीएल में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाला इकलौता भारतीय बल्लेबाज कौन है। आपके ऑप्शन हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, सुरेश रैना। 200। इसमें लॉजिकली तो आप दो को एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, क्योंकि वो खेल नहीं रहे कल। हाँ। एम एस धोनी या सुरेश रैना। सुरेश रैना आई थिंक। गलत जवाब। गलत। ओ, एम एस धोनी ने उनसे ज्यादा छक्के मारे। हाँ, कन्वेंशनल जवाब पे आप जाते हैं, एम एस धोनी, क्योंकि क्योंकि 5-4 या 5-6 नंबर पे खेलते हैं, मुझे लगा शायद सुरेश रैना ने 5000 रन बनाए आईपीएल में, शायद छक्के उनके ज़्यादा होंगे। इससे एक सवाल जुड़ता है, वो ये कि सुरेश रैना को छक्के लगाने पड़ेंगे अगर चेन्नई की टीम को अच्छा प्रदर्शन करना है, कब तक वो सिर्फ एमएस धोनी पर ही निर्भर रहेगी पूरी टीम? और बिल्कुल, पिछला मैच अभी एमएस धोनी की इनिंग्स की वजह से एक रन से ही हारे, नहीं तो शायद 100 रन से हारते, वैसी स्थिति थी। तो सुरेश रैना का फॉर्म हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है चेन्नई के लिए, और वो चाहेंगे कि अब जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स आ रहे हैं, कि प्लेऑफ की तरफ जा रहे हैं, तब उनका फॉर्म की वापसी हो। वैसे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप भारतीय खिलाड़ियों को भी देख लें तो एम एस धोनी बहुत ऊपर आते हैं उस फेरिस में, छक्के लगानों की फेरिस में तीसरे पायदान पर हैं, सिर्फ ए बी डिविलियर्स और क्रिस गेल से पीछे हैं एम एस धोनी। चलिए, अगले सवाल का अब हम रुख कर लेते हैं, सवाल नंबर 4। एक आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा शतकीय साझेदारी बनाने वाली जोड़ी कौन सी है, कोहली और डिविलियर्स, बेस्टो और वार्नर, धवन और गंभीर, गेल और कोहली। टफ सवाल। सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी, 100 रन पार्टनरशिप, थिंक बेस्टो और वार्नर। गलत जवाब, ये हमने आपको गूगली डाल दिया। नहीं पता है, दो, दो नहीं, मुझे लगा नहीं था होगा क्योंकि बहुत कम गेम्स इकट्ठे खेल चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनका फॉर्म इतना अच्छा रहा है इस साल, थोड़ा सा गैम्बल था। वो दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, इतने कम पारियों में भी दूसरे नंबर पर जाकर पहुंचे, बट ये थोड़ा टफ था, गूगली थी, क्योंकि ये हम दो खिलाड़ियों की बात कर रहे थे जो कल का मैच नहीं खेल रहे, फिर भी हमने नहीं, मैं सोच रहा था अगर वो नहीं तो शायद गेल और कोहली हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ऊपर बल्लेबाजी करते थे आरसीबी के लिए। चलो, और एक, चलिए अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, आखिरी सवाल जो है हमारे क्विज का, वो ये, साल 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद के पहले आईपीएल मैच में उनका कप्तान कौन था। 4 ऑप्शन, कैमरन वाइट, कुमार संगकारा, डेल स्टेन या फिर पार्थिव पटेल। कैमरन वाइट। गलत जवाब। मुझे भी यही लगा था जब मैंने ये सवाल पढ़ा था, मुझे भी ऐसे लगा था कैमरन वाइट, कुमार संगकारा थे। ठीक है, 2 out of 5, लेकिन ये हमेशा की तरह बहुत टफ हमारी क्विज होती है।
चलिए अब हम मैच पे नजर डाल लेते हैं। मैच नंबर 41 जैसे हम बात कर रहे हैं, धोनी बनाम केन विलियमसन, पहले 11 कौन से खिलाड़ी होने चाहिए उस पे हम नजर डालते हैं। अजीत अगरकर ने क्या चुने हैं अपने 11 खिलाड़ी, चाहे वो चेन्नई की टीम हो या फिर हैदराबाद की टीम हो, उस पे नजर डालते हैं। ये चेन्नई की टीम है, आपने एक फेर बदल किया है, हरभजन आ गए हैं, शार्दुल गए हैं, क्या पिच को देखते हुए ये किया? हाँ, आई थिंक एक तो चेन्नई का ग्राउंड बहुत बड़ा है, चेपॉक साइज, और हमने देखा है हरभजन को अक्सर धोनी वहाँ खिलाते हैं, उन्होंने इम्पैक्ट किया है, बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है, चाहे आरसीबी के खिलाफ हो, किंग्स इलेवन के खिलाफ क्रिस गेल को शुरुआत में आउट किया था, यहाँ वॉर्नर है उनके खिलाफ लेफ्ट हैंडर बेस्ट, हो थोड़ी सी मदद उनको पिच से मिलती है, अनुभव है इतना हरभजन सिंह को, तो शायद वो उनको वापस खिलाए वहाँ, क्योंकि उनका इम्पैक्ट रहा है चेन्नई में। तो सरप्राइज होगा अगर सीमर खिलाया, हमने देखा है धोनी हमेशा एक पैटर्न फॉलो करते हैं अपनी कप्तानी में, ज़्यादा कुछ चेंजेस करते नहीं है, और जिस तरीके से हमने पहले देखा है कि चेन्नई में उन्होंने खिलाया हरभजन को, और खिलाना भी चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत के दो बल्लेबाजों को अगर आउट करते हैं चेन्नई के गेंदबाज अगर सनराइजर्स के, तो हमने देखा है कि बीच के मिडिल ऑर्डर, और केन विलियमसन भी इस साल इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, या उतनी बल्लेबाजी की नहीं है इस टूर्नामेंट में उन्होंने, तो शायद उनको बहुत फायदा हो। एक चीज़ बस उन्होंने थोड़ी बदली, आप जैसे बता रहे हैं कि वो एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, एक है पहले ये होता था कि अगर राइट हैंडर्स हैं ज़्यादा टीम में तो ऑफ स्पिनर को गेंदबाजी नहीं देते, वो शायद थोड़ा बदल दिया, बार बार उनको खिलाते हैं चाहे कोई भी बल्लेबाज हो या गेंदबाजी भी देते हैं। डोंट थिंक कोई भी टीम में दो लेफ्ट हैंडर्स हमेशा आएंगे, तो एक तो आपके पास आपको राइट हैंडर को गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन पिच में थोड़ी सी मदद होती है, चेन्नई में धीमी होती है पिच, तो और हरभजन जैसे पहले कहा कि इतने अनुभवी है कि उनको पता है किस बल्लेबाज को कैसी गेंदबाजी करनी है, और वार्नर इतने बड़े प्लेयर है सनराइजर्स के लिए और इतने अच्छे फॉर्म में कि उनका उनको आउट करना बहुत ज़रूरी है चेन्नई की टीम के लिए, तो और हरभजन शायद उनके ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं हैदराबाद की टीम में क्या 11 खिलाड़ी देखना चाहेंगे। अजीत अगरकर क्या उसमें कोई फेरबदल किया है या नहीं, जैसे मैं देख रहा हूँ नहीं, आप कोई बदलाव नहीं करना चाहते, विनिंग कॉम्बिनेशन आप चेंज नहीं करें। एक ही सवाल अगर खड़ा होता शायद कोई बोलते क्योंकि ये स्पिनिंग ट्रैक है आप नब्बी को लाएं, लेकिन फिर आप क्या कैसे किसको? मैं वही कहने वाला था कि एक ही चेंज हो सकता है शायद, कि विलियमसन की जगह अगर नबी को लाए अगर पिच देख के, थोड़ा सा रिस्की होगा, एक तो केन विलियमसन उनके कप्तान हैं, कप्तानी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब भुवनेश्वर कुमार करते हैं और केन विलियमसन करते हैं, और थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है, और पिच अगर अच्छी हुई तो शायद स्पिन गेंदबाज का उतना फ़ायदा, लेकिन ये हो सकता है कि वो चेंज करे, और हमने देखा है कि सनराइजर्स ऐसे बोल्ड मूव्स हमेशा करती है कि अगर कंडीशंस देखी और ज़रूरत हुई स्पिनर की, पहले भी उन्होंने विलियमसन के आगे नबी को खिलाया, तो सरप्राइज नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कंडीशन स्पेसिफिक होगा। चलिए अगर चेन्नई के पास एमएस धोनी है उनका बल्ला है, तो दूसरी तरफ हैदराबाद के पास दो बहुत ही शानदार सलामी बल्लेबाज हैं, बेस्टो हैं, डेविड वार्नर है, ये जो साझेदारी है यही एक बहुत ही बड़ा कारण है कि हैदराबाद इतना अच्छा कर रही है। इसी पार्टनरशिप के बारे में जॉनी बेस्टो ने ESPN क्रिक इन्फो से बात की। Spend a bit of time out in the middle off the field and what have you, then I think that's a good thing because you're able to pick the knowledge of someone that's got a wealth of experience and is a fantastic batsman. So gaining an understanding of that when you're out in the middle is key to have an understanding on the field but off the field too. I think that straight away we clicked with our running between the wickets. I think that's certainly one thing that we've done very well in this competition. The amount of twos that we've run has been a focus of our batting so far, and in the two games that we've got to go, I'm sure, especially in Chennai, that's going to be a large part of it. तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ी इस IPL में है बेस्टो और डेविड वार्नर की। अजीत सब इस मुकाबले में MS धोनी के बल्ले के साथ प्रदर्शन देखना चाहते हैं, मेरे को इंतजार है कि MS धोनी द कैप्टन कैसे निपटेंगे इन दोनों खिलाड़ियों के साथ, क्या लगता है क्या स्पिन? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम इतना ही है कि डेविड वार्नर और बेस्टो ने खास करके मुझे बहुत सरप्राइज़ किया है, क्योंकि हम जानते थे कि जब वो आए खेलने यहाँ सब कहते थे कि उनको स्पिन गेंदबाजी अगर शुरू में करवाई तो शायद थोड़ी उनको तकलीफ हो सकती है, उन्होंने वो सब एक तो सरप्राइज़ कर दिया और सब जो उनके क्रिटिक्स थे उनको दिखा दिया कि वो स्पिन गेंदबाजी सिर्फ खेल नहीं सकते डोमिनेट कर सकते, और
तो उनका प्रदर्शन से मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि जितना अच्छा रहा है. एम एस धोनी हमने देखा है अलग तरीके, चाहर तो उनके लिए नई गेंद से डालते ही है. पिच की कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगी इस मैच में. अगर शायद थोड़ी सी स्लो हो तो स्पिन गेंदबाजों से वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा है अगर वार्नर और बेस तो तीन या चार या पाँच ओवर रह गए दोनों, तो जो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं उससे ज़रूर सामने वाली टीम पे दबाव आता है. इसलिए हरभजन सिंह शायद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं उनके लिए नई गेंद से, क्योंकि अगर वो इन दोनों में से एक बल्लेबाज को अगर आउट कर सकते हैं, और दीपक चाहर जो स्विंग करवाते हैं शुरू में, कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो, कितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, अगर आप थोड़ा सा थोड़ी सी गेंद में मूवमेंट हो तो अगर आप अच्छी गेंद कर सकते हो तो आपको मौका ज़रूर देता है कोई भी बल्लेबाज. तो वो जितना चेन्नई का चेन्नई की स्ट्रैटेजी रही है अभी तक, एटलीस्ट नई गेंद से उन दोनों से अटैक करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक गलती करे दोनों बल्लेबाजों में से और वो जो मौका आता है वो जाने ना दे चेन्नई. पिछले मैच में हमने देखा एम एस धोनी विराट कोहली के लिए एक रणनीति बना के आए थे, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेम कराते रहे दीपक चहर से और वो आउट हो गए. कोलकाता ने बेस्टो के साथ वही एक रणनीति अपनाई थी, बेस्टो ने गलती भी की, कैच भी दे दिया, वो अलग बात है ड्रॉप हो गया. ये एक वीक पॉइंट हो सकता है जिस पे काम कर सकते हैं, वो कट मारने की कोशिश करते हैं डीप पॉइंट पे शायद. हाँ. लेकिन वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आपकी कंडीशंस धीमी है, पिच में गेंद फंस रही है, तो वो करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो शायद आप स्टम्प में गेंद करके अगर स्विंग ना भी हो, थोड़ा सा पेस चेंज करके शायद टाइमिंग ना मिले बल्लेबाज को चांस लेने जाए, उसमें आपको मौका मिल सकता है. तो थोड़ा सा कंडीशन स्पेसिफिक होगा, लेकिन इमरान ताहिर का शायद जल्दी थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं अगर विकेट जल्दी ना गिरी, क्योंकि हमने देखा है कि उनके पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है. रन तो रोक ही रहे इस साल आईपीएल में, लेकिन वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है. तो एम एस धोनी को भी पता होगा कि इन दोनों को अगर वो जल्दी आउट करते हैं तो मैच कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाए. मैच कंट्रोल करने की बात करें, एक खिलाड़ी को हैदराबाद अपनी टीम में लेके आई है और उसके आने से काफ़ी फर्क पड़ा है. सिर्फ अब सलामी बल्लेबाज ही नहीं जिता रही, खलील अहमद बहुत अच्छा कर रहे हैं. तीन मैचेस उन्होंने खेले हैं, 7 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी भी करीब 7 का है. इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि पावर प्ले में वो गेंदबाजी भी करते हैं. यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इतने समय बाद ही उनको क्यों लाए, बेंच पे बैठाया था, लेकिन जब लाए हैं तो उन्होंने बता दिया है कि वो बहुत ज़रूरी है इस टीम के लिए. जब भी आप एक लेफ्ट हैंड सीमर को, लेफ्ट आर्म सीमर को लाते हो, एक अलग एंगल बन जाता है, थोड़े जोशीले है. हमने देखा है कि जब भारत के लिए खेला तो वो अनुभव है, तो कॉन्फिडेंस होगा कि इस लेवल पर खेल सकते हैं. और उनके पास क्वालिटी है कि गेंद वापस थोड़ा सा उनकी गति थोड़ी वापस जो पहले थी वो आ गई थी. मुझे लग रहा था बीच में थोड़ा सा उनका पेस ड्रॉप हो गया था, वो नहीं है. आप अगर आंकड़े देखें तो बहुत अच्छी शुरुआत है इस आईपीएल के लिए. और मैं हैदराबाद के लिए ये था कि उनके लिए सिद्धार्थ कौल, भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा तीनों ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो वो चेंज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर भी उनके लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी. लेकिन जब फॉर्म नहीं था तब उन्होंने खलील को लाया और अच्छे समय पर लाया, क्योंकि इनका फॉर्म इस वक्त बहुत अच्छा है. सोच के गेंदबाजी कर रहे हैं, वेरिएशंस अच्छी है जो 3 गेम्स में इन्होंने दिखाई है. और जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी आपके पास एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन होता है, एंगल्स बदल जाते हैं बैट्समैन को खेलने के लिए. आप फील्ड वैसी लगा सकते हो, कप्तान होंगे, क्योंकि बल्लेबाज को अलग एरियाज में मारना होता है जब आप लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हो या कभी कभी राउंड द स्टंप्स आके भी. तो क्रेडिट खलील को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आके अच्छा परफॉर्म कर दिया जब उन सनराइजर्स को ज़रूरत थी. क्योंकि हम आंकड़ों को देख रहे थे, उसमें खलील अहमद पावर प्ले में सबसे शानदार औसत उनका रहा है. कगिसो रबाडा से भी बेहतर है उनका औसत, जिस तरह से वो विकेट चटका रहे हैं. वहीं अगर आप चेन्नई की टीम देखें, वहाँ पर उनकी काफ़ी परेशानी है जहाँ तक उनकी बल्लेबाजी का सवाल है. अगर आप देखें आईपीएल 2019 में किस तरह से रन रेट रहता है पावर प्ले में, तो आप देख सकते हैं सबसे कम 6.2 है चेन्नई का, यानी उसका फ़ायदा नहीं उठाते और विकेट भी वो काफ़ी खोते हैं, करीब 2 खोते हैं औसत उनका ऐसा है. तो यहाँ पर पलड़ा हैदराबाद का भारी लग रहा है. एक तो खलील है, ऊपर से चेन्नई का ये रिकॉर्ड. और ज़रूर चिंता होगी एम एस धोनी को, क्योंकि उनके फॉर्म की वजह से चेन्नई इस साल 3 या 4 मैच मुश्किल स्थिति से निकल चुकी है. पिछला मैच भी उन्होंने ऑलमोस्ट अकेले ने जिता दिया था. तो
जरूर चाहेंगे कि ऊपर के बल्लेबाज उनके रन करें, सुरेश रैना स्पेशली, क्योंकि इतने बड़े वॉटसन हमने देखा है कि लास्ट ईयर अच्छा फॉर्म था, लेकिन जब प्लेयर एक रिटायर हुआ होता है तो कंसिस्टेंसी होना पूरे टूर्नामेंट में उतना आसान नहीं होता उसके लिए, इसलिए सुरेश रैना, राइडू, केदार जाधव, इन बल्लेबाजों को बेहतर करना, परफॉर्मेंस उनका बहुत ज़रूरी है चेन्नई के लिए, क्योंकि हर बार MS धोनी नीचे आके जब 10, 11, 12, 15 रन चाहिए ओवर में, हर बार एक बल्लेबाज नहीं बना सकता। अब हम अगर बात करें MS धोनी के बारे में, लगता है पिछले मैच उन्होंने, पिछले से पिछला मैच वो बैक एक की वजह से मिस किया, बैक एक के बाद आए तो ज़्यादा फिट नज़र आए, क्या वो पारी अभी भी, क्योंकि एक दिन हो गया, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी आप महसूस करें? बिल्कुल, आई थिंक मैच बिल्कुल हार गए थे चेन्नई वहाँ से, और अकेले बल्लेबाज को जिताना बहुत मुश्किल होता है, जो उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया था, थोड़ा सा लक RCB की तरफ था इसलिए एक रन से जीते, क्योंकि जिस तरह की इनिंग्स MS धोनी ने खेली थी, बिल्कुल डिजर्व करते थे जीतना। हम देखते हैं, लास्ट ईयर भी हमने देखा IPL में जब चेन्नई के लिए खेलते हैं अलग तरीके का अप्रोच होता है, इस साल भी हमने देखा है, भारत के लिए शायद शुरुआत उनकी थोड़ी स्लो होती है, इस बार IPL में हमने देखा है कि अगर रन रेट रिक्वायर्ड हो तो शुरुआत में भी बॉलर पिक करते, हर गेंदबाज के खिलाफ चांस नहीं लेते, लेकिन अपने गेंदबाज पिक करके चाहे जल्दी भी हो इनिंग्स में तभी भी चांस लेते, तो एक रिफ्रेशिंग अप्रोच है उनका, लेकिन ये सेम अप्रोच लास्ट IPL में भी देखा है कि कितने बड़े प्लेयर है वो चेन्नई के लिए, हमने पहले भी देखा था, लेकिन वो चाहेंगे कि और बल्लेबाज भी कंट्रीब्यूट करे और उनको अकेले को सारा काम ना करना पड़े। कंट्रीब्यूशन की आप बात करें, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही सोशल मीडिया पर भी, शार्दुल ठाकुर को वो, आपको लगता है मनकड़ इफेक्ट था, एक इंच का फर्क रह गया अंत में, और हमने देखा जब गेंद डाल रहे थे वो रुके हुए थे, कन्वेंशनल लॉजिक तो ये कहता है कि आखिरी गेंद आप दौड़े, पर वो नहीं दौड़े। अश्विन को क्रेडिट दूंगा यहाँ और सही भी है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट ले रहे हो गेंदबाज बॉल रिलीज करने के पहले तो आप अनफेयर एडवांटेज है आपके, थोड़ा सा चीटिंग हो जाता है, तो शार्दुल ठाकुर ने सही किया, जस्ट आउट हुए, पार्थिव पटेल की अच्छी थिंकिंग थी और एक्यूरेसी थी जिसकी वजह से आउट हुए, तो आई थिंक जो रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए, चाहे वो सबसे प्लेयर जो पहला गेम खेल रहा हो या 300 गेम खेला हुआ प्लेयर हो, तो ज़रूर होगा उनके दिमाग में कि अगर मैंने पहले स्टार्ट लिया, मुझे पता नहीं उमेश यादव के दिमाग में वो था कि नहीं, मुझे नहीं लगता, जितना मैं उनको जानता हूँ उन्होंने सोचा भी होगा कि मैं देखूंगा कि अगर नॉन स्ट्राइकर बाहर जाता है, बट बहुत अच्छा गेम था, और शायद RCB जब तक MS धोनी की इनिंग्स नहीं थी जितना उनका परफॉर्मेंस था शायद डिजर्व करते थे जीतना। पार्थिव पटेल ने MS धोनी की टीम के साथ वो किया जो MS धोनी अक्सर काफ़ी टीमों के साथ करते हैं। आखिरी सवाल, अगर आपको एक विनर पिक करना हो इस मैच में, चेन्नई में मुकाबला है इसलिए चेन्नई के साथ जाना होगा, चेन्नई की बल्लेबाजी उतनी अच्छी हो नहीं रही है और सनराइजर्स ने बहुत अच्छा मुकाबला जीता है, बहुत आसानी से एक अच्छी टीम के खिलाफ, KKR के खिलाफ जीता है, तो फॉर्म में ज़रूर है, लेकिन सिर्फ होम एडवांटेज की वजह से चेन्नई, और चेन्नई लगातार ज़्यादा मैच हारते नहीं है, हमेशा IPL में 2 हार चुके हैं, तो ज़रूर इस वक्त MS धोनी को एक वापस जीत और फॉर्म लाना ज़रूर वो चाहेंगे, और स्पेशली उनके बल्लेबाज अगर वो अच्छा खेलते हैं तो चेन्नई शायद आसानी से जीत जाए। एक तो होम एडवांटेज होगा चेन्नई के लिए, दूसरा जैसे अजीत बता रहे थे लॉ ऑफ एवरेजेस भी अब ये कहती हैं कि शायद चेन्नई ये मुकाबला जीत सकता है। हैदराबाद का अच्छा रन चला है, लेकिन चेन्नई 2 मैच हार गया, कभी 3 मैच लगातार वो हारते नहीं है IPL में। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।